पाठ 8, निशाना लगाने के लिए पक्षी उड़ाया जाता है। सिद्धार्थ के हाथों से धनुष बाण छूट जाता है। यह देखकर सिद्धार्थ के गुरु उनसे कहते हैं, धनुष बाण उठाओ सिद्धार्थ, लक्ष्य तुम्हारे सामने है। सिद्धार्थ कहते हैं, क्षमा करें गुरुदेव, परंतु मैं परीक्षा नहीं दे सकता। सिद्धार्थ की बात सुनकर देवदत्त कहता है, तो ठीक है, आप मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दीजिए गुरुदेव। सिद्धार्थ कहते हैं, जी गुरुदेव, आप ज्येष्ठ को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दीजिए, मैं पक्षियों को निशाना नहीं बना सकता। गुरु कहते हैं, तुम्हें परीक्षा देनी होगी सिद्धार्थ, यह मेरा आदेश है। सिद्धार्थ कहते हैं, गुरुदेव, आप मेरी यही परीक्षा लेना चाहते हैं ना, कि मैं धनुर्विद्या में निपुण हूँ या नहीं, तो फिर लक्ष्य कोई और भी तो हो सकता है। उन सभी गुरुओं में से एक गुरु कहता है, हाँ हो सकता है, परंतु लक्ष्य उतना ही कठिन होना चाहिए जितना कि देवदत्त के लिए था। सिद्धार्थ अपनी माला से एक छोटा सा मोती निकालते हैं और उसे आकाश में उछालने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं, इस मोती को इतना ऊपर उछाला जाए कि यह एक छोटे से बिंदु के रूप में भी ना दिखे। सिद्धार्थ के कहने पर देवदत्त खुद उस मोती को पूरी ताकत से आकाश में उछालता है। आकाश में मोती इतना ऊपर चला जाता है कि वह दिखना भी बंद हो जाता है। सिद्धार्थ उस मोती की सीध में बाण चलाते हैं। सबको लगता है कि निशाना चूक गया, पर कुछ ही क्षणों बाद उस मोती के टुकड़े जमीन पर गिरते हैं। सभी लोग यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि भला कोई इतने छोटे से मोती को निशाना कैसे बना सकता है। परंतु क्योंकि सिद्धार्थ का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ बनना नहीं था, बल्कि अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना था, इसीलिए वे ऐसा कर पाते हैं। दूसरे दिन की प्रतियोगिता समाप्त होती है और सिद्धार्थ को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया जाता है। अगले दिन तीसरी और अंतिम प्रतियोगिता होनी थी, जिसका नाम था दंड प्रतियोगिता। इस बार पहले प्रतिभागी सिद्धार्थ और देवदत्त होते हैं। देवदत्त सिद्धार्थ को देखकर सोचता है कि आज तो मैं सिद्धार्थ को सबक सिखाकर ही रहूंगा। प्रतियोगिता शुरू होती है। देवदत्त सिद्धार्थ पर पहला प्रहार करता है, परंतु सिद्धार्थ देवदत्त के प्रहार को केवल रोकते हैं, उस पर पलटकर वार नहीं करते। इसके पीछे सिद्धार्थ की करुणा थी और बड़े भाई के लिए सम्मान था। यह देखकर सिद्धार्थ के गुरु कौंडिन्य उनसे कहते हैं, सिद्धार्थ तुम देवदत्त पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे हो? सिद्धार्थ कहते हैं, गुरुदेव, मैं ज्येष्ठ पर प्रहार कैसे कर सकता हूँ? गुरु कहते हैं, यह युद्ध नहीं प्रतियोगिता है, यहाँ प्रतिभागी को अपनी प्रतिभा दिखानी होती है। सिद्धार्थ कहते हैं, परंतु गुरुदेव, मैं चाह कर भी अपने बड़े भाई पर प्रहार नहीं कर पा रहा हूँ। सिद्धार्थ के इन शब्दों को सुनकर वहां बैठे सभी प्रजाजन, सिद्धार्थ के माता पिता व सभी लोग निराश हो जाते हैं। फिर आचार्य कौंडिन्य सिद्धार्थ से कहते हैं, अब तुम्हारे पास दो विकल्प हैं सिद्धार्थ, या तो तुम्हें प्रहार करना होगा या फिर तुम मुझे भूल जाओ, आज से मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। सिद्धार्थ अपने गुरु से बहुत प्रेम करते थे, जिसके कारण वे देवदत्त पर प्रहार करना शुरू करते हैं और कुछ ही क्षणों में देवदत्त को हरा देते हैं। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग सिद्धार्थ के नाम की जय जयकार करने लगते हैं। सिद्धार्थ के माता पिता भी यह देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तीनों परीक्षाएं होने के बाद ये सुनिश्चित कर दिया जाता है कि गुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी सिद्धार्थ हैं। राजा शुद्धोधन तथा उनकी पत्नी रानी प्रजापति सिद्धार्थ के विजय होने पर बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु देवदत्त, मंगला व द्रोणोधन बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उनके हर प्रयास के बाद भी सिद्धार्थ सर्वश्रेष्ठ साबित हुए। राजा शुद्धोधन तो अपने पुत्र की विजय से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि पूरे राज्य में एक दिन का उत्सव घोषित कर देते हैं। इस उत्सव में राजकुमारी यशोधरा भी आती हैं। युवराज सिद्धार्थ और राजकुमारी यशोधरा की बचपन से ही अच्छी मित्रता थी, इसलिए जब भी वे एक दूसरे से मिलते थे तो बहुत प्रसन्न होते थे और एक दूसरे के साथ ही
ज्यादा से ज्यादा समय बिताते थे। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र की विजय पर इतना प्रसन्न थे कि वे पहली बार अपने पुत्र को राज प्रसार के बाहर जाने की अनुमति दे देते हैं। परंतु अनुमति देने के साथ साथ वे ऐसी व्यवस्था भी करते हैं जिससे कि सिद्धार्थ को हर जगह सुख और सुख दिखे। राजा शुद्धोधन एक शोभा यात्रा आयोजित करते हैं जिसमें सिद्धार्थ, यशोधरा व कुछ सैनिक शामिल होते हैं। जैसे जैसे शोभा यात्रा आगे बढ़ती है, सिद्धार्थ को हर जगह हंसते हुए चेहरे नजर आते हैं। अचानक एक व्यक्ति सिद्धार्थ के रथ को रुकवाता है और उनसे कहता है, रक्षा करें युवराज, रक्षा करें। सिद्धार्थ उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या हुआ, तुम इतने भयभीत क्यों हो? वह व्यक्ति सिद्धार्थ से कहता है, युवराज, मेरे बच्चे को चीता उठाकर ले गया है, उसके प्राण खतरे में है, कृपा कर उसकी रक्षा करें। उस व्यक्ति की बात सुनते ही सिद्धार्थ तुरंत अपने रथ से उतरते हैं और उस व्यक्ति के साथ चल पड़ते हैं। सिद्धार्थ को उस व्यक्ति के साथ जाता देख द्रोणधन सिद्धार्थ से कहता है, सिद्धार्थ, तुम्हें शोभा यात्रा छोड़कर नहीं जाना चाहिए, महाराज को पता लगेगा तो वे बहुत क्रोधित होंगे। सिद्धार्थ कहते हैं, क्षमा करें काका, परंतु मैं इस खबर को सुनने के बाद रुक नहीं सकता। जब सिद्धार्थ नहीं मानते तो द्रोणोधन, देवदत्त और कुछ सैनिकों को सिद्धार्थ के साथ भेज देता है। वन में उस बच्चे को ढूंढते वक्त देवदत्त सिद्धार्थ से कहता है, यदि वह चीता मेरे हाथ लग गया तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। देवदत्त की बात सुनकर सिद्धार्थ उससे कहते हैं, नहीं ज्येष्ठ, हम उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, हम उसे सुरक्षित पकड़ेंगे। अचानक एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। सभी लोग उस दिशा में दौड़ पड़ते हैं जहां से आवाज आ रही थी। दौड़ते दौड़ते अचानक सिद्धार्थ को एक छोटा सा बच्चा जमीन पर पड़ा दिखता है। सिद्धार्थ उसके पास जाते हैं और उस बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। उस बच्चे के शरीर से रक्त बह रहा था, इसलिए सिद्धार्थ उसे उसी समय महल ले आते हैं और उसका उपचार शुरू करवा देते हैं। सिद्धार्थ के महल जाने के बाद देवदत्त उस चीते को खोजना शुरू कर देता है। काफी देर खोजने के बाद देवदत्त उस चीते को पकड़ लेता है और उसे खत्म कर देता है। देवदत्त उस चीते का सिर काटकर महल ले जाता है और राजा शुद्धोधन के चरणों में रख देता है। आगे की कहानी अगले पार्ट में।